ऐसे ही और सदाबहार वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे तेजू बड़ा हो गया है, वो सब समझता है, लेकिन उनकी मौत का सिर्फ एक ही नाम तेजा। अरे उसकी लाश को कुत्ते नहीं खाएंगे तो तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? जोरा, तेजा तुम्हारी मौत है। पुलिस चलो। नजदीक आ रहे हैं, जल्दी लो। कहाँ गायब हो गए हरामजादे? कहीं पीछे ही तो नहीं उतर गए? चलो पीछे चलकर देखते हैं। कितनी देर लगाओगी? तुम्हें भी रात को ही काम सूझता है, जल्दी आओ ना। लो दूध पी लो। ऐसे नहीं वैसे। कैसे? आगे आओ तो बता दो। अरे क्या कर रहे हो? अरे भाई वही कर रहा हूँ जो पिछले 8 साल से करता चला रहा हूँ। जब तुम हूँ हूँ करती हो ना तो मेरा ऊ हो जाता है। तक बेशरम। हाय। पहले एक काम की बात सुनो। फिर उसके बाद है। तक। अच्छा बोलो क्या बात है? कल हमारे तेजू का जन्मदिन है। मालूम है। उसे एक घोड़ा चाहिए। आपको एक बात मालूम है? क्या? कल हमारी शादी की वर्षगांठ है, एनिवर्सरी। मालूम है। मुझे घोड़ी चाहिए। जो मुंह में आया पक देती हूँ। अरे तेजू बड़ा हो गया है, वो सब समझता है। लेकिन तेजू इस वक्त सो रहा है। आवाज देके देखो। अभी देता हूँ। तेजू देखा? तेजू बेटे। मामा देखा? अबे ओ गुंडे इधर आ। आया पापा।
गदा, माँ का चमचा। मैं तो सुन रहा था कि तू सो गया। मैं तो अभी सो रहा हूँ। आ जाओ मेरे राजा। नहीं नहीं, जो मर्द होते हैं वो कभी नहीं रोते। आओ पापा। आजा मेरे बहादुर सिपाही, आजा। आजा पापा। आजा। कल क्या है बेटे? सोमवार है। अबे उल्लू के पट्टे, कल क्या है? अरे कल स्कूल होते हुए भी छुट्टी है। स्कूल होते हुए भी छुट्टी है, क्यों? अरे बाबा कल मेरा बर्थडे है, इस खुशी में आप मुझे एक घोड़ा देंगे और मैं आपको घोड़ी। हाँ मैं सब सुन चुका हूँ। बस बस बात हो गया, जा जा के सो जा। अरे मैं तो सो ही रहा था, आपने आवाज दी और मैं चला आया। चल चल जा अभी जा। अच्छा भाई चला। मैं बोलता है सो रहा था, सब सुन रहा था, अब कुछ मत सुनना। अच्छा अब मैं सो रहा हूँ, जो बात करनी है धीरे करना। हाँ गुड नाइट। आप भी कैसी बातें करने लगते हो बच्चों से। ठीक है, हम बच्चे से ऐसी बात नहीं कर सकते, आपसे तो कर सकते हैं ना। हैप्पी बर्थडे डियर तेजू। हमारी प्यारी तेजू को जन्मदिन मुबारक हो। हैप्पी एनिवर्सरी। अरे ये तो साला बहुत बोलने लगा। भगवान करे हमारे इस घर को किसी की नजर न लगे। चल बेटा मैं तुझे जल्दी से नहला दूँ। नहीं माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अपने सब काम अब खुद करूँगा। शाबाश बेटे, ये हुई ना मर्दों वाली बात। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम कहाँ चलेंगे। कहाँ चलेंगे? बाजार घोड़ा लेने। आओ ना पापा जल्दी आओ ना। अरे चलता हूँ। शांति हम यूँ गए और एक घंटे में वापस है। तेरे जल्दी आ जाना। चलो ना पापा जल्दी चलो ना, देर हो रही है, बातें वापस आके कर लेना। अरे तेजू सुन। हाँ माँ। इधर आ। क्या माँ? ये ले पैसे, बाजार जाकर जो चीज चाहे खरीद लेना। अच्छा माँ। ये हम जा रहे हैं घोड़ा लेने, चलो पापा। अरे भाई धीरे चलो। बहुत बदमाश है। अरे सोना कहाँ है? रामखोर, दोस्ती पर टाका डालता है। लाल सिंह, तूने हीरा पे हाथ उठाया, मैं तुझे जमीन में जिंदा कर दूंगा। बंद करो ये काम मैं भी तो कर सकता था, और सोने की खातर हम आपस में मर बैठेंगे क्या? अगर हम तीनों में से किसी ने ये हरकत की होती तो वो यहां मौजूद नहीं होता। नहीं। इस कमीने ने यह सोचा होगा कि यहां मौजूद होने पर हमें इस पर शक नहीं होगा। बिल्कुल, और तू लड़ाई करके अपने आप को सच्चा साबित करना चाहता है। शट अप यार। हमारा सोना ये तो वही है। वो देखो वो घर। ये सोना जरूर इसी घर में है। हाँ। Thank you.
कौन है? कौन है? कौन है? सोना नाइट, मजाक करती हो हमसे? ए, तेरा मर्द कहाँ है? वो तो मार गए, आप लोगों को उनसे क्या काम है? उस हरामजादे ने हमारा सोना चुराया है, बता कहाँ छुपाया उसे? मुझे मालूम नहीं। देखो, हम लोग बहुत बुरे आदमी हैं, जल्दी से बता दो सोना कहाँ छुपाया हुआ है? आप लोग कौन से सोने की बात कर रहे हो? मुझे कुछ मालूम नहीं है। झूठ बोलते हैं। मालिक, हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे, चोर कहीं के। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? हमारा सोना। कैसा सोना? कैसा सोना? हिलो नहीं, हरामजादे, अगर और नाटक किया तो एक एक काट के उसी गड्ढे में गाड़ दूंगा जहां से तुमने सोना चुराया है। मेरे बेटे को छोड़ दो, छोड़ दो मेरे बेटे को। अरे छोड़ देंगे, बस तुम लोग इतना बता दो कि सोना कहाँ है, बताओ। जब मालूम नहीं तो बताइए कहाँ से। हरामजादे, सोना कहाँ है, बताओ। सोना कहाँ है? रुक जाओ यार। चोर कहीं के, तुझे अपनी जान की फिक्र नहीं तो अपनी बीवी और बच्चे की तो सोच। लूटने में तो हम लोग माहिर हैं। कल एक बैंक को लूटा था, आज तेरी आंखों के सामने तेरी बीवी की इज्जत लूट लेंगे। नहीं, माँ, माँ! नहीं हरामजादा, नहीं, मैं कहता हूँ छोड़ दे। हमें नहीं मालूम तुम्हारा सोना कहाँ है। मैं कहता छोड़ दे, छोड़ दे मेरे बच्चे को। अभी भी बताते हो कि नहीं? मैं कहता हूँ छोड़ दे मेरे बीवी बच्चे को। कभी न कुत्ता, छोड़ दो मेरी बेबी को। अब भी बता दे हरामजादे, सोना कहाँ है? हम तुझे आखिरी मौका दे रहे हैं हरामजादे। Oh, my God.
इधर देख तेरे मरद के बाद अब तेरे बेटे की बारी है। छोड़ दो मेरे बेटे को। अगर तुझे इसकी जान प्यारी है तो फौरन बता दे कि सोना कहाँ छुपाया है। मेरा बच्चा, छोड़ दो मुझे। लगता है गोलियों की आवाज सुनकर गांव वाले इधर आ रहे हैं। ये हमें पहचानती है और हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। जोरावर, गांव वाले बहुत नजदीक आ गए हैं, हमें फौरन यहाँ से भाग जाना चाहिए। चलो। लेकिन हमारे सोने का क्या होगा? अरे सोना चाहिए क्या जिंदगी? चलो। नजर लग गई जी, सब खत्म हो गया। नहीं माँ नहीं, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकता हूँ माँ। क्यों? तू तो कहता था अब तू बड़ा हो गया है, अपना काम खुद कर सकता। नहीं माँ नहीं, मैं बहुत छोटा हूँ माँ, मुझे छोड़ के मत जाओ माँ। नहीं रोते बेटी, तू तो अपने पापा का बहादुर बच्चा है ना, तेरा सहारा तुम भगवान से इसकी रक्षा करना। कातिलों ने आप दोनों को मुझसे छीना है, उसी तरह आपका बेटा तेजा उन तीनों की जिंदगी उनसे छीन लेगा। उसके बाद ही मैं माँ के आंचल से बंधी इन तीनों गांठों को खोलूंगा और आपकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित करूंगा।
मर चुके हैं सबके सब। आओ ये लो तुम्हारा पिछली बार का इनाम, जब्बर और जालिम सिंह का। ये बाकी के पैसे उन गांव वालों में बांट देना जो डाकुओं के जुल्म का शिकार हुए हैं, और उन पुलिस वालों के घरों में जो उन हरामजादों से लड़ते लड़ते मर गए। तुम इससे जिंदगी बांटो और मैं इससे और गोलियां खरीद कर मौत बांटूंगा। तुम हर बार यही बात कहते हो तेजा, ना तुम पुलिस के आदमी हो ना सीबीआई के, फिर भी वो काम करते हो जिससे पुलिस की मदद होती है। मदद मैं सिर्फ अपनी कर रहा हूं, जिन्हें मैं ढूंढ रहा हूं उनकी मनहूस जिंदगी के तीन नाम हैं, लेकिन उनकी मौत का सिर्फ एक ही नाम है, तेजा। इनके भी सर पे इनाम है क्या? उनके कटे हुए सर ही मेरा इनाम होंगे। कोई जाति मामला है? तेजू बेटे। मामा देखो। अबे ओ गुंडे इधर आ। आया पापा। माँ का चकचा, मैं तो सुन रहा था कि तू सो गया। मैं तो अभी सो रहा हूँ। आ चू मेरे राजा। नहीं नहीं, जो मर्द होते हैं वो कभी नहीं रोते। आजा बेटे तेजू, आजा आजा। हैप्पी बर्थडे डियर तेजू। हमारी प्यारी तेजू को जन्मदिन मुबारक हो। हैप्पी एनिवर्सरी। अरे ये तो साला बहुत बोलने लगा। भगवान करे हमारे इस घर को किसी की नजर न लगे। जाती I'm
बोल तेरा डका है। बोल। बोल तेरा अड्डा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। बता दो, बता दो, बता दो। राम, जख्म तो बहुत गहरा है। मैं वैद्य को बुला लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं अपने जख्मों का इलाज खुद हूँ। लेकिन सुई धागा है। हाँ सुई धागा। जो मैं देख भी नहीं सकती वो तुम सहन कैसे करते हो? क्या तुम्हें तकलीफ नहीं होती या तुम्हें दर्द नहीं होता? दर्द मुझे एक बार हुआ था जब मेरे माँ बाप मरे थे। अब जब मुझे दर्द होता है तो उनकी याद आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। कभी इसे छूना मत। ये जिंदगी ने मौत को गले लगा रखा है। मैं मौत हूं और ये मेरी जिंदगी है, समझे?
अत्याचार करत है और हरामजादे ने एक ही दिन में हमारे दो प्राणियों के प्राण ले लिए। एक एक प्राणी के बदले इस गांव के 20-20 प्राणी जाएंगे। उस कुत्ते के पिल्ले को हमारे हवाले कर दो मुखिया। हो सकता है कि हमारा दिल पिघल जाए और हम उस हरामजादे की लाश को लेकर इस गांव से चले जाएं, वरना तलाशी होगे, घर घर की तलाशी होगे और जान माने उसे अपनी गोद में छुपा रखा है उसकी गोद चीर दी जाएगी। सुना के लाले मुखिया, अब दरवाजा खोल दो। सरकार माई बाप, माफी ठाकुर, वो वहां उस घर में छुपा हुआ है। चल। ए लोडिया के वास्ते, जो हरामखोर लाल सिंह के आदमी को मारा है वो अब जरा देख ले कि हम इसका क्या हजर करते हैं। पहले हम ही का चौराहे पे भ्रष्ट करेंगे, फिर गोलियों से भून कर एक नदी में बहा देंगे और फिर उसके बाद गांव की एक एक औरतन का नंबर लगेगा। सुने हो कि नहीं? अरे ये बात हमको तरस आ गया रे। काम वाला, जैसा कि हम कहत रहे ना कि हम इस ससरे को यहाँ से ले जाएंगे तो हम ले जाते हैं। अरे ले चलो इस साले को। कौन है रे बबुआ तू? अरे बोलेगा नहीं का? लाल सिंह के आगे तो गूंगे पत्थर भी बोलत है। देखो, सुना? अब बोल, कौन है तू? पुलिस का, सीआईडी का, इनकम टैक्स का, कौन है तू? खुदा का बंदा। तेरी तो खुदा का बंदा की मैं का चाहिए रे तुझे मुझसे? तुम्हारी मौत। मौत चाहिए मेरी? सुनो आ रहा है, इस ससुरा का कहा था मेरे में खेल खिलौने लेने आया है ये। इस ससुरे को मौत चाहिए हमारी। बबुआ, लाल सिंह कोई मजाक पसंद नहीं है। ये मजाक नहीं, हकीकत है लाल सिंह। तूने मौत कभी देखी नहीं होगी। आज मुझे देखकर यह हसरत भी पूरी कर ले। का बोला रे हरामजादे? तेरी जुबान काट के पांव तले कुचल दूं तो मुझे चैन पड़े, लेकिन नहीं। पहला काम पहले, अपनी इसी जहरीली जुबान से बोल। कौन है तू? तुम्हारी मौत। अभी देखा है कौन किसकी मौत है। जादा साहिब, जानत हो ये का है? ईका कहत है नीमक। का कहत है ईका? नीमक। और ई हम तुमका तब तक लगाए रहेंगे जब तक तुम हमका ई नहीं बताए दे कि तुम हो कौन। ई गांव भी हमरा दिया हुआ है और ई पर दवाई भी हम ही लगावत है। बतावत नहीं।
अरे वही डोर है वही डोर तमाशा देखो यहाँ से भाग चले नहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो सोनू इनके सारे घोड़े खोल दो और अपना घोड़ा लाल सिंह के सामने कर दो क्या जाओ लाल सिंह 20 साल पहले यह घर बसा हुआ था एक हंसता खेलता परिवार यह खुशियों से भरा आंगन जिसे उजाड़ कर शमशान बना दिया तूने आज यह उजड़ा हुआ घर तुम्हारे लिए अदालत बन गया है मैं तुझे घेर कर इस अदालत में लाया हूं लाल सिंह तेरा इंसाफ करने ये रस्सी देख रहा है लाल सिंह 20 साल पहले इस रस्सी पर तूने मुझे लटकाया था याद आया उस रस्सी का जलता हुआ दाग आज भी मेरे गर्दन पे है लाल सिंह ये देख तो तू वही है बबुआ हाँ मैं वही हूँ मेरी मरती हुई माँ ने मुझे बचा लिया ताकि मैं तुझसे बदला ले सकूं ओ दिन तो तू बच गवा रहा बबुआ आज नहीं बचेगा Oh!
तीन थे ना, तू, हीरा और जोरावर, उनका पता बता, पता। हमका छोड़ दो भैया, वो जो हरिया है ना, वो पुरानी बंदूक है और पुरानी मूर्ति का व्यापार करता है। कहाँ करता है? धर्मपुर से कोई 20 कोस दूर सरहद के पार। और जोरावर? जोरावर, जोरावर काम का मालूम नहीं भैया, वो कहाँ फरार हो गया। अरे हमका छोड़ दो तेजा, अरे हमका माफ कर दो भैया, अरे हम कहा था कि हमका माफ कर दो। अरे क्या करता हूँ भैया, अरे भैया हमारे हीरा पन्ना सोना हमारी सारी दौलत ले लो भैया, हमका माफ कर दो भैया। इंतकाम की अदालत में माफी नहीं, इंसाफ होता है लाल सिंह, इंसाफ। ये हमें लाल सिंह को किसने मारा, किस वजह से मारा? यह अखबार नहीं है ना, किसी का भेजा हुआ खत है हमारे नाम। लाल सिंह की मौत महज एक खबर है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो पैगाम है हमारे नाम तो भेजने वाले का नाम क्या है? We'll find out! सुबह के अखबार के साथ साथ मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, समझे? तेजा, तुमने जो मेरी मदद की उसका बहुत बहुत शुक्रिया, उसके बदले में मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, लाल सिंह पर जो 50,000 रुपए का इनाम सरकार ने लगाया था वो तुम ले लेना। इनाम पाने के लिए मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया था। तो फिर तुम क्या चाहती हो? हाँ, बस मुझे अपने साथ ले चलो। अगर दो मुसाफिरों की मंजिल एक हो जाए तो वो रास्ते भर साथ साथ चल तो सकते हैं। नहीं, मैं वो तूफान हूं जिसका कोई साथी नहीं। मेरी मंजिल मेरी है, सिर्फ मेरी। अगर दो मुसाफिरों की मंजिल एक हो जाए तो वो रास्ते भर साथ साथ चल तो सकते हैं। Thank you.
सांप ने तुम्हें काटा तो नहीं? हाँ, काटा ना। कहाँ? यहाँ। ये क्या कर रही हो तुम? जहर उतार रही हूँ। जहर? मगर सांप ने तो तुम्हें काटा है। तुम सांप का जहर उतार रहे थे, मैं अपना, मेरा मतलब अगर मेरा जहर उतारते उतारते कहीं तुम्हें चढ़ गया तो? चली जाओ यहाँ से। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मैं आगे से नहीं करूंगी, कसम से। वैसे तुम कभी हंसते नहीं? सुना नहीं तुमने? तुम वापस गांव लौट जाओ। कौन सा गांव? वो जहाँ तुम्हारे लिए सबसे बैर ले लिया, या वो जहाँ लाल सिंह के आदमी तुम्हें ढूंढ रहे हैं? क्या मुझे पाकर तुम्हारा बदला मुझसे नहीं लेंगे? मैं गांव वापस नहीं जाऊंगी। तो तुम मेरे साथ भी नहीं चल सकती, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं। मालूम है तुम आंधी हो, तूफान हो, वगैरह वगैरह हो, वैसे जिंदगी भर साथ रहने की ख्वाहिश मेरी भी नहीं है। अब अगर तुम मुझे लाल सिंह के आदमियों के हाथों मरने को कहते हो तो मैं चली जाती हूँ खुश। लेकिन अब रात बहुत हो गई है, क्या है कि मैं आदमियों से नहीं डरती, मगर जंगली जानवर नाबा बना मुझे बहुत डर लगता है। आज की रात मुझे यहाँ रहने दो ना, कल सुबह तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, कसम से। एक शर्त पे मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगा। क्या? कि अब के बाद तुम बोलोगी नहीं। क्या मैं बहुत बोलती हूँ? बहुत से थोड़ा ज्यादा। अच्छा, अब से चुप। ए, उधर नहीं। अरे यार, सिर्फ एक रात की तो बात है। चलो हटो। आएगा कभी तो हमारे अंगना।
स्वागत का इंतजाम करो, मैं अभी पहुंचता हूं। मुझे खतरे की बुआ रही है, इसे चलाना जानती हो? नहीं, तुम सिखा दो। मौत का डर तुम्हें सिखा देगा। देखो, अगर तुम्हारे सामने कोई आ जाए तो इसे दोनों हाथों से पकड़कर घोड़ा दबा देना। और अगर वो मर गया तो? अगर वो नहीं मरा तो तुम मर जाओगी। तुम वो सामने वाले जंगल में जितनी भी दूर हो सके निकल जाओ, मैं इनसे निपट लूंगा। अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हारे बगैर जाओ। Come on boys, पकड़ लो दोनों को।
जो तुम सोच रहे हो वही मैं भी सोच रहा हूं। अगर तुमने मुझे मारा तो मैं इसे मार दूंगा। और मेरे आदमी तुम्हें बंदूक फेंक दो। कुछ आदमी हमारे इलाके में घुस आए थे, मैं उन्हें गिरफ्तार करके ले आया हूं। ठीक है, तुम उन्हें बड़े वाले हॉल में ले चलो, हम आते हैं। कहना हो तो बको। मैं ये कहना, हमको कहना है साहब जी, हमारी मुसीबत आप पहले सुन लीजिए। ये हरामी लुच्चा लफंगा बाजी बहुत बदमाश है साहब जी, मुझे जबरदस्ती उठा लाया। हाँ, मुंह आया, बोला संतरा मौसमी दोनों चाहिए, हमने दे दिए। बोला और भी दिए, पूरा टोकरा खाली कर दिया। पर इस पोपट की बस एक ही रट, और दो। ये तो मुझे पागल लगता है साहब जी, इसका घोड़ा तो और भी पागल है। उसने मुझे यहाँ काट खाया, निशान अब तक हैगा। दिखाओ साहब जी, आपको दिखाओ। जानबूझकर घोड़े को गांव छोड़ा है और रास्ते में बोले कि तू मेरे पीठ पर चढ़, और कभी धमकावे कि मैं तेरे पे चढ़ूंगा। मतलब पीठ पर? मैं यू चुप कि मैं आपके इलाके में आई हूँ, और मैंने कहा भी कि मरे मर्दुए ये पन्नालाल घोष का इलाका हैगा। पन्नालाल नहीं, हीरालाल। हीरा पन्ना तो एक ही बात हो गया ना साहब जी, लेकिन ये हरामी बोला कि पन्नालाल गए तेल लेने। पन्नालाल नहीं, हीरालाल। हाँ, हीरालाल, हीरालाल गए तेल लेने। अब आप ही बताइए ना साहब जी, आप इतने बड़े आदमी, भला आप क्यों जाएंगे तेल लेने? ये मर गई क्या, ये नहीं लाएंगे तेल आपके लिए? और फिर तौबा तौबा तौबा, बहुत बुरी गाली दी आपको साहब जी। क्या कहा? कहा, कहा कि आप तो वो है। चुप। इसका तो अंग अंग कटवा के कौओ को खिलवा देना, नहीं तो मुझको बोलो, मैं इसे गोली से मार देती हूँ। खबरदार कोई हिला तो, गोली मैं तुझे ना मार दूंगी। कह दो अपनी चमचों को कि हथियार फेंक दे, वरना हथियार डाल दो। अब उसकी जंजीरें खोल दो। नहीं, जंजीरें खोल दो। अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या सुलू किया जाए? वही जो एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ करता है। यानी नाटक अब भी बाकी है? नाटक इसने कर लिया है, अब सच्चाई तुम मुझसे सुनो। तुम सच कहोगे इसका क्या सबूत है? विश्वास करना सीखो तो सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन हो तुम? पहले मैं ये बता दूं कि तुम कौन हो। तीन दोस्त थे, अगर एक को चोट लगती थी तो दूसरे को दर्द होता था। तीनों ने मिलकर एक बैंक को लूटा, 3 करोड़ रुपए का सोना था उस वक्त, लेकिन आज उसी सोने की कीमत 30 करोड़ है। पुलिस उनके पीछे पड़ गई और उन्होंने वो सोना कहीं छुपा दिया।
और वो सोना आज तक छुपा हुआ है। तीनों अलग हो गए, अपनी अपनी जिंदगी जीने लगे, लेकिन कुछ रोज पहले उनमें से एक मारा गया। लाल सिंह, तुम्हें कैसे मालूम? लाल सिंह तुम्हारा दोस्त था, मेरा बाप था। तुम लाल सिंह के बेटे हो? मरते हुए बाप ने कहा कि मैं तुमसे जरूर मिलूं, और शायद उसने यह भी कहा था कि हमारे 17 आदमी मार देना, उन्हें मारने की तुम्हारे पास कोई वजह है? हाँ, तुम तक पहुंचने की ख्वाहिश, अगर मैं उन्हें नहीं मारता तो वो मुझे मार देते। लाल सिंह मरा क्यों और कैसे? ये सवाल मैंने भी अब्बू से किया था। वो बोले, बेटा मैं जोरावर की गोली से मर रहा हूं, हीरा मेरा दोस्त है, तुम जाकर उसे बताना। जोरावर, तू मर गया, मत भूल के तो मेरी नजर में है। इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं, ताकि आप मुझे वहां तक पहुंचा दें, बाकी का हिसाब मैं मांग लूंगा, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। और हमें हमारा हिस्सा चाहिए। बेशक, लेकिन थके हुए मुसाफिर को आराम चाहिए, इन्हें आराम गृह में पहुंचा दो, बाकी की बात कल होगी। तुम्हें उस पर भरोसा क्यों नहीं है? आपने तो कहा था कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो तब तक भरोसा नहीं करते जब तक उन्हें कोई धोखा ना दे, और दूसरे वो जो तब तक भरोसा नहीं करते जब तक सामने वाला भरोसा करने के काबिल ना हो। आप पहली तरह के लोगों में से हैं जो धोखा खा चुके हैं, और मैं दूसरी तरह के लोगों में से हूं जो फरेब में हारना नहीं चाहता। यूं ही सही बेटे, लेकिन जोरावर में मेरी दिलचस्पी फिर से पैदा हो गई है। सोना लाल सिंह ने नहीं लिया, हीरा ने नहीं लिया, तो तीसरा है कौन? और अगर आज हमें हमारे हिस्से का सोना मिल जाए तो सोचो हमारा बिजनेस कितना बढ़ सकता है। तो आप क्या चाहते हैं, कि मैं तेजा को जाने दूं? नहीं, जाने नहीं दो, तुम साथ जाओ, जंग उसे लड़ने दो, यानी बीज उसे बोने दो और फसल तुम काटना। और अगर कहीं उसने आस्तीन के सांप की तरह सर निकाला तो जाओ महेंद्र, जाने की तैयारी करो। ओके डैड। जाना कहाँ है? बंबई, गोल्डन टास, जो जोरावर का किला है। तुम दोनों, मेरा मतलब है महेंद्र और तुम, कामयाब होकर लौटोगे, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तब तक के लिए इनकी रहने का इंतजाम मैंने यहीं पर कर दिया है। आपकी दुआएं साथ हो या ना हो, लेकिन ये यहां नहीं रहेगी। क्यों? जैसे महेंद्र अकेला नहीं जाता, वैसे मैं भी इसके बिना कहीं नहीं जाता। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई एतराज नहीं है। अरे जाओ भाई, तुम्हें बुलाया जा रहा है। मैं जानता हूं आप हमारा इंतजार करेंगे, मगर आपकी उम्मीद से पहले हम लौट आएंगे। रात को यहीं रहना है, लेकिन मुझे वापस भी जाना है। मैं समझती हूं, लेकिन कैसे? हाँ, कैसे? औरत अगर चाहे तो पूरी पलटन को रोक सकती है, तो
तुम जाने की तैयारी करो। किधर जा रही? मेरा नानी को जी कर रहा है। बाथरूम किधर है? उधर आए, मेरा तो डुबकी लगाने को जी कर रहा है। मर गए? कौन कौन है वहां? खुदा का बंदा। तेजा, तुम्हारी मौत। तुम और महेंद्र? जिंदा है वो, लेकिन आज यतीम हो जाएगा, जैसे 20 साल पहले मैं यतीम हो गया था। क्या बकते हो? लाल सिंह तो तुम्हारा। लाल सिंह मेरा बाप नहीं था, वो भी तुम्हारी तरह मेरे माँ बाप का खूनी था। याद करो वो दिन जब तुम तीनों ने सोना छुपाया था और एक बेगुनाह खानदान को तबाह किया था। इसे पहचानते हो? तब से इसे संभाल के रखा है तुम्हारे लिए। ओ, तुम? हाँ मैं। ऊपर वाले ने शायद मुझे इसीलिए बचा लिया था क्योंकि मेरे हाथों तुझे मरना है।
चलब लेकर मैं आपके पास आ रहा हूं गोल्डन टावर में। बाकी बात वही होगी। मेरा नाम संजय है। मुझे तुम्हारे नाम में कोई दिलचस्पी नहीं है। हां, मेरी नजरों में तुमने तीन चीजें साबित की हैं। स्मार्ट हो, बहादुर हो और बेवकूफ हो। इतनी जल्दी फैसला मत कीजिए। मैं बेवकूफ इसलिए हूं कि आपके घर आया हूं और वो भी अकेला। खैर, इस ट्रक में सोना है। हाँ लाया हूं। तो एक बात यह भी साबित हो गई कि तुम्हें सोना नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। क्या चाहिए? दोस्ती, और वो भी बराबर की। क्यों? बताता हूं। तालीम पूरी करने के बाद मैंने 5 साल लगाए आपकी जिंदगी आपके तरीके को स्टडी करने में। मैं वही बनना चाहता था जो आज आप हैं। मैं अलग से बिजनेस भी शुरू कर सकता था, लेकिन आपसे दुश्मनी करके नहीं, क्योंकि मैं आपकी ताकत को जानता हूं, इसलिए दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। एक रिस्क लिया है मैंने, अपनी जान हथेली पे लेके आया हूं, और इस उम्मीद से आया हूं कि हमारी पार्टनरशिप आज से ही शुरू हो जाए, और इस सोने से आधा हिस्सा आप खुद मुझे देंगे। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। आपको शायद यकीन नहीं कि मैं सोना लेके आया हूं। एक मिनट। तुम्हें अब भी यकीन क्यों है कि मेरे आदमी तुम्हें गोलियों से भून नहीं सकते? आहा, कभी नहीं, क्योंकि इसके साथ मैं और कुछ भी लाया हूं। ये क्या है आप जानते हैं? ये डायनामाइट है, बारूद। अगर मुझ पर एक भी गोली चली तो आपकी ये 20 साल की मेहनत, ये सल्तनत मिट्टी का ढेर बन जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, ये सरासर बकवास है। ये सच है, ये झूठ है। ये सच है, ये झूठ है। ये सच झूठ नहीं हो सकता। ये तो एक था, ऐसे और हजारों उस ट्रक में पड़े हैं। मैंने कहा था ना कि मैं अपनी जान हथेली पर लेके आया हूं। शायद आप अपनी सल्तनत को तबाह होते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि मैं स्मार्ट हूं, बहादुर हूं, लेकिन बेवकूफ नहीं। संजय, यू आर राइट।
यू आर गुड। तो पार्टनरशिप मंजूर? वो तो मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन दोस्ती हाँ। गुड गुड। आपने क्या सचमुच उसे अपना पार्टनर बना लिया है? पार्टनर तो तुम हो और तुम ही रहोगी, लेकिन ये आदमी हमें पसंद बहुत आया। बस फिक्र की बात यही है कि ये हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है और हम इसके बारे में कुछ नहीं। तो आप ये चाहते हैं कि मैं इसके बारे में पता करूं? ऑफ कोर्स। तुम हमारी कंप्यूटर हो ना? संजय स्मार्ट है, बहादुर है, जवान है और इंटेलिजेंट भी है। वो सिर्फ एक आदमी है और मैं, डोंट यू वरी अबाउट संजय। सॉरी, आपका ड्रिंक। कोई बात नहीं, गलती मेरी थी कि ग्लास आपके रास्ते में रख दिया। नो नो, आई मस्ट रिप्लेस योर ड्रिंक। वेटर। यस मैडम। साहब का जो ड्रिंक है वो एक ग्लास और ले आओ। ओके मैडम। अगर आप इतनी ही मेहरबान होना चाहती हैं तो एक मेहरबानी और कर दीजिए। वेटर जी, दो ड्रिंक। ओके सर, प्लीज सिट डाउन। क्या देख रहे हैं? सात समुंदर की उस पार एक अप्सरा दिखी थी, एक जलपरी, और सात समुंदर के इस पार एक और देख रहा हूँ। आप कभी हांगकांग में थी? नहीं। आपकी कोई बहन? जी नहीं, मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। कमाल है, आपके चारों तरफ इतनी भीड़ होनी चाहिए थी, इतनी भीड़ होनी चाहिए थी कि पूरे स्टेडियम में भी ना समा सके। थैंक यू। मैं हिंदुस्तान पहली बार आई हूँ। आप तो यहीं के हैं ना? मैं खुद यहाँ पहली बार आया हूँ। तो अजनबी इस तरह परदेश में मिले तो दोस्त हो सकते हैं क्या? कोशिश कर सकते हैं। आप हिंदुस्तान घूमने आई हैं? जी नहीं, मेरे अंकल कुल्लू में रहते हैं, उनसे मिलने आई हूँ। तब तो मैं भी उनसे मिलना चाहूंगा, लेकिन उनसे मिलने के लिए बहुत लंबा जाना पड़ेगा। ओह नो। ये क्या बदतमीजी है? मेरा नाम तेजा है। लाल सिंह और हीरा के सीनों में मौत का खंजर उतार आया हूं और अब तेरी बारी है जोरा। ओह, तो वो तुम थे? हाँ मैं ही था। कल तुमसे भी मिलने आ रहा हूं। कल? क्यों, भूल गए? कल तुम्हारा जन्मदिन है। मौत के साए की तरह मुझे भी अपने पास ही पाओगे। अगर बच जाओ तो कल 8 बजे फोन पर मेरा इंतजार करना। क्या हुआ जोरा? संजय वो आदमी नहीं जो तुम समझते हो। He is clean। जानता हूं। आप कैसे जानते हैं? क्योंकि असली कातिल तेजा अब आया है। उसी ने लाल सिंह और हीरा को God। कल की पार्टी में आने की धमकी भी दी है उसने। सांप के बिल में हाथ नहीं, सर डालने की कोशिश कर रहा है वो हरामजादा। तू कौन है? तेरा नाम क्या? कहां से आई? तेरा काम क्या?
जन्मदिन मुबारक हो जोरा, तुम्हारी जिंदगी की आखिरी खुशी थी। तेरी उम्र यहीं तक थी जोरा, क्योंकि तेजा के इन फूलों में तेरी मौत छिपी है, बॉम्ब की सूरत में। बॉम्ब है इसमें, बाहर फेंक दो। नहीं, मैं नहीं फेंक सकता, आप फेंकिए। नहीं नहीं, तुम फेंक दो ना। अरे नहीं फेंक सकते, आप फेंकिए ना। अरे तुम फेंक दो ना। नहीं, आप फेंकिए। आ!
ये सब क्या है? तेजा, 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 तेजा। और वो गुलदस्ता वो फूलों को हाथ लगाने से भी डरता जाता था, सांस लेते लेते भी मरता जाता था, कैसे कैसे कमाल करता था, बगैर सीढ़ी के नीचे उतरता जाता था। मैंने तो सोचा कि कह दूं कि जोरा तुम मर रहे हो। लेकिन तुम मेरे साथ तुकबंदी क्यों कर रहे हो? चलो मुंह उधर करो। खाबा का मुंह उधर करवा दिया। क्यों? अरे शीशे ने सब दिखा दिया। बाजी, अरे मैं तुझे नहीं अरे सुनू सुनू अरे तुमने भी सबकी अच्छी खोली। बोल। अच्छा? हाँ। तू जरा मेरी आंखों में आंखें डाल के बोल, वो कौन लगती थी तेरी? चिपक चिपक कर चल रहे थे, उनके हाथों को भी मर रहे थे, मैंने साफ साफ देखा है। अरे वो बेचारियां तो अच्छी, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे कद और कमर ऐसी के अंगूठी पहना दो। कमर में ही क्यों, उंगली में भी पहना दो ना अंगूठी। जा, मुझे बात मत कर। चल गई। अरे अगर तुम लड़कियों में जलन ना हो तो जिंदगी फीके शरबत की तरह बेमजा हो जाए। अरे पगली, उनके साथ तो मैं मजाक कर रहा था, अंदर करने की बात। अंदर बाहर तुम जानो, पर जब भी तुम किसी से बात करोगे कम से कम एक हाथ की दूरी तो होनी चाहिए। और तुम्हें गले लगाने की हमारी हसरत भी तो पूरी होनी चाहिए। आज पहली बार तुम्हें हंसते हुए देखा है। इस हंसी ने मुझे बहुत रुलाया। सुनो, आज मैं जीना चाहता हूं, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। आठ बजने में सिर्फ 5 मिनट रहते हैं, इस घड़ी में 8 बजेंगे और उधर टेलीफोन पर उस हरामजादे का 8वां सुर बजेगा। गोली मार देनी चाहिए उसे। अगर टेलीफोन पर गोली मारी जा सकती तो अब तक वो साला 20 बार मर चुका होता, पर मैं उस हरामजादे को छोड़ूंगा नहीं। बात हो रही है किसे छोड़ने की, यानी कि रिश्ता तोड़ने की? आओ पार्टनर, तेजा की बात हो रही है। सरदर्द बन गया है ये फोन। 8 बजने वाले हैं, यानी कि बादल गरजने वाले हैं। पार्टनर, एक शेर मुझे याद आया, शायद तुम्हें पसंद हो। बात अपने मतलब की होती है, टोन की नहीं। डरना आदमी से चाहिए, फोन से नहीं। डर मेरी फितरत में नहीं है। और ऐसा कानून कुदरत में भी नहीं है कि वो फोन करे ही करे और आपके ड्रिंक के वक्त मरे ही मरे। बरसी मनाई जाएगी, अपनी कब्र की जगह खुद चुन ले। इससे पहले कि मैं तुझे जान से मार डालूं, तुझे एक थप्पड़ मारने की हसरत रखता हूं। क्या है कि हाथ में बहुत खुजली हो रही है ना? Shut up! हेलो, क्या चाहिए तुम्हें? सोरा के लिए कुत्ते की मौत। सोरा के लिए ये आपको कुत्ता कह रहा है, कानों में जहर घोल रहा है। जोरा हरामी है, धोखेबाज है। उसने अपने साथियों के साथ धोखा किया है। What nonsense!
कैसा धोखा? बैंक? सोना? क्या बकवास कर रहा है? शट अप! क्या? आपको नहीं कहता? अरे उसकी लाश को कुत्ते नहीं खाएंगे तो तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? साला कुत्तों से हमदर्दी जता रहा है। आपको कुत्ता कह रहा है? ए, जोरा को गाली मत देना। जोरा मेरा पार्टनर है। अरे जोरा जैसा भी हो, कुत्ता, कमीना, हरामी, धोखेबाज, मेरा पार्टनर है। क्या? तू जोरा को झापड़ मारेगा? अगर तू मेरे सामने आ गया ना तो मैं तुझे। अरे पार्टनर लगी तो नहीं? एक मिनट यार, तुम अच्छे पार्टनर हो। वो एक बार गाली देता है, तुम 10 बार देते हो। अरे पार्टनर मैं तो उसे डांट रहा था, आप तो खामखा। सर काम हो गया। काम हो गया? ये लो। ए, चलो। पार्टनर कौन से काम की बात कर रहे थे? पता नहीं। नहीं? मुझे भी पता नहीं। Cheers. जोरा साहब, आपको तो एक स्कूल खोल लेना चाहिए। स्कूल? स्कूल किसके लिए? मछलियां आपसे तैरना सीखे और पंछी आपसे उड़ना। साहब तस्वीरें आ गई है। अरे भाई तो दिखाओ, आज तुम्हें एक नई बात सीखने को मिलेगी। ध्यान से देखो। भगवान करे हमारे इस घर को किसी की नजर न लगे। चल बेटा मैं तुझे जल्दी से नहला दूँ। नहीं माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अपने सब काम अब खुद करूंगा। शाबाश बेटे, ये हुई ना मर्दों वाली बात। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम कहाँ चलेंगे? कहाँ चलेंगे? बाजार घोड़ा लेने। ये सिखा सकता हूं, लेकिन मैं यह भी सिखा सकता हूं कि हुलिया रूप रंग और जुबान झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आंसू कभी झूठ नहीं बोलते। मैं समझा नहीं। मैं समझा देता हूं। ये कौन है? जोरा जो जानता है वो तेजा के मुंह से सुनना चाहता है। रामखोर, कौन हो तुम? बोलो कौन हो तुम? तुम्हारा पार्टनर और खुदा का एक नेक बंदा। शट अप! तुम तेजा हो, तेजा। जोरावर, दरअसल तुम डर गए हो, इसलिए आधे मर गए हो। देख, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। मरेगा तू, और मरने से पहले तू ये कबूल करेगा कि तू तेजा है। लाल सिंह और हीरा लाल को मारने के बाद तू अपने आप को 30 बार का समझ बैठा? सारी शरारत की जड़ तुम हो, तुम। तुम्हारे आने के साथ ही तेजा के फोन आने शुरू हुए। मेरी ही पार्टी में मेरा मुंह काला कर दिया गया। हरामजादे, तुम क्या समझते थे कि मैं समझूंगा कि यह सब तेजा कर रहा है? नहीं, ये सब तुम कर रहे थे, तुम, क्योंकि तुम ही तेजा हो। बिजली के झटके दो इसे। आ, 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 आ,
तुम कौन? पार्टनर? नहीं, ना तुम मेरे पार्टनर थे और ना ही बन सकते हो। जोरावर अकेला था और अकेला ही रहेगा। सर, पुलिस आई। भाई जी साहब, आप यहां? आपने आने की ज़हमत क्यों की? मुझे बुला लिया होता। इस आदमी को जानते हैं आप? इंटरनेशनल एसेसिन, किराए का कातिल, बीसियों खून कर चुका है और कई मुल्कों में वांटेड है। हांगकांग से आया है और अब अपनी दाढ़ी मूछ साफ करवाकर आपके होटल में छुपा हुआ है। छुपा हुआ नहीं, हमारे होटल में ठहरा हुआ हो सकता है। लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपको कैसे मालूम कि वो हमारे होटल में ही ठहरा हुआ है? आप कॉपरेट नहीं करेंगे तो हमें होटल की तलाशी लेनी पड़ेगी। उसकी जरूरत नहीं होगी। अगर ये यहां ठहरा हुआ है तो बहुत जल्द आपकी हिरासत में होगा। शाम, सर, यह आदमी अगर इस होटल में ठहरा हुआ है तो फौरन यहां ले आओ। ओके सर। बहरहाल, आप चाय पियेंगे या कॉफी? नो थैंक्स, मैं यही इंतजार करूंगा। सर लीजिए साहब, आपका मुजरिम। अरेस्ट हिम। पुलिस की मालूमात भी कमाल होती है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इतना मासूम आदमी इतना बड़ा कातिल भी हो सकता है। ये क्या आपने ठीक किया? जोरा कभी गलती नहीं करता। अब हमारा काम पुलिस करेगी। तेजा तो मरेगा ही और उसके खून के छींटे हमारे दामन तक नहीं आएंगे। हेलो, कौन? तेजा। तेजा, मैंने तुम्हारे सारे गैर कानूनी अड्डों का पता पुलिस को बता दिया है। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच भी जाएगी। जोरा, गुड बाय। यू बास्टर्ड। सोमू बालू। यस सर। सुनो, जल्दी करो, सारी सोने की ईंटें मेरी गाड़ी में डाल दो। ओके okay. और ये जगह खाली कर दो। पुलिस आ रही है, चलो। सरोवर, तुम घिर चुके हो, अपने साथियों समेत सरेंडर कर दो। अगर तुम दो मिनट के अंदर बाहर नहीं आए
तो हम गोलियां बरसाते हुए अंदर आ जाएंगे। मैं सरेंडर। जल्दी करो जल्दी। सोरा तेजा, तू तेजा नहीं संजय, तुम्हारा पार्टनर, और तुम्हारे पार्टनर को कोई नहीं रोक सकता। जोरावर, तुम्हारी भलाई इसी में है। बातें बाद में भी हो सकती हैं जोरा, अभी यहां से निकल। चलो 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 चलो, जल्दी निकलो चलो। जोरावर, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूं, अब भी सरेंडर कर दो। सोना डालो जल्दी जल्दी। चलो बैठो। तेजा ने मुझे डबल क्रॉस किया, धोखा दिया संजय ने। सर, तेजा या संजय? चलो चले संजय। मैं ये सोच रहा था कि तू सोच मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। माल यहां छुपा दिया है, सिर्फ तुझे छुपाना है। चला। दूध का दूध, पानी का पानी, माल नया मगर चाल पुरानी। वेरी गुड। आज की रात तुम्हें यही काटनी होगी। यहां इस जगह? ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, ये जगह बहुत महफूज है और आजमाई हुई है। पुलिस कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती कि मेरा पार्टनर यानी तुम यहां छिपे हुए हो। मैं चलता हूं और सब इंतजाम करके आता हूं, कल सुबह यहां से निकल चलेंगे। ओके। इसी सुबह का मुझे बरसों से इंतजार था जोरावर। हीना, तुम यहां क्या कर रही हो? अरे ये क्या कर रही हो तुम? जोरा के हुक्म का पालन। अरे तिजोरी, के बाद भी आवाज लगाते हो? तुम्हें यकीन था ना कि तेजा कभी मर नहीं सकता? जोरा, तेजा तुम्हारी मौत है, तुम्हें मारने से पहले ये कैसे मर सकता है? बचपन में हर छिपकली का बच्चा यही समझता है कि वो बड़ा होकर मगरमच्छ बनेगा। तुम क्या समझते थे कि तुम कामयाब हो जाओगे? कामयाब तो मैं हो चुका हूं जोरा। अपनी इस बंदूक पे इतराना मत जोरा, तुम्हारे सिर पर एक और बंदूक खड़ी है।
आज तेरे हर जुर्म का फैसला होगा जोरा। याद कर वो दिन जब मेरी मां रोई थी, मेरा बाप गिड़गिड़ाया था और मैं बच जाने से पहले हजार बार मरा था। आज तुझे एक एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा जोरा। बोल, क्या जवाब है तेरा? बोल! रुक जाओ तेजा, बांस पर चढ़ जाने से आदमी का कद ऊंचा नहीं हो जाता। जितनी तुम्हारी उम्र है उतने सालों का मेरा तजुर्बा है। सोने के चक्कर में तुम सोनू को भूल रहे हो। अगर आधे घंटे के अंदर मैं लाल कोठी नहीं पहुंचा तो मेरे भेड़िए तुम्हारी सोनू को काट खाएंगे। अगर सोनू को कुछ हुआ, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे की मोहलत है। मेरा सोना लेकर लाल कोठी पहुंच जाओ और अपनी सोनू को ले जाओ। याद रखना, 2 घंटे। लाल कोठी पहुंचने का रास्ता मैं बताती हूँ, चलो मेरे साथ आओ। इस सोने पे मेरे बाप का हक था और अब मेरा हक है। अपने खुदा को याद कर लो। रुक जाओ महिंदर, सोना तो तुम्हें बाद में भी दिया जा सकता है, लेकिन इस वक्त मेरी सोनू की जान बचाने के लिए यह सोना जरूरी है। तुम्हारी सोनू तुम्हारी समस्या है तेजा। जैसा मैंने कहा, अपने खुदा को याद कर लो। कोशिश की, औरत का सबसे बड़ा सिंगार उसका सिंदूर होता है तेजा। तो मेरे नसीब में नहीं था। जाओ, सोनू को बचा लो, सोनू को बचा लो तेजा। Thank you.
अपने आदमियों से कहो कि हथियार फेंक दें। हथियार फेंक दो। वादे के मुताबिक मैं सोना ले आया हूं, तू सोना ले ले और सोनू को छोड़ दे। सोनू को बाहर लाओ। मुझे विश्वास था तेजा कि तुम कानून की मदद करोगे।